जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि भारत की दो दिनों की यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे हैं फूमियो किशिदा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर पीएम मोदी और किशिदा के बीच व्यापक चर्चा हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शुमार स्विट्जरलैंड का यूबीएस बैंक ने अपने ही प्रतिस्पर्धी बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह अधिग्रहण 3.23 अरब डॉलर में होगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आईएसआई के इशारे पर बेरोजगार और भटके हुए लोगों की ऐसी फौज खड़ी करना चाहता था जो पंजाब में आतंकवाद और खालिस्तान की मांग को फिर से जिंदा कर सके। श्रीनगर में बनेगा जम्मू कश्मीर का पहला मॉल। आपको बता दें कि मॉल को संयुक्त अरब अमीरात स्थित निर्माण कंपनी EMAAR समूह की ओर से श्रीनगर के बाहरी इलाके सेमपोरा क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे 13,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दिल्ली शराब नीति मामला में आज ईडी के सामने पेश होंगी तेलंगाना की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता। जांच एजेंसी ने कविता को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सूत्रों की माने तो 15,000 से अधिक किसानों की पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग के साथ किसानों की समस्या को लेकर यह महापंचायत आयोजित की गई है। झारखंड में रामनवमी पर राजनीति अपने शबाब पर है। बीजेपी ने नारा दिया है कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी जारी है, लेकिन जिला प्रशासन ने 14, 21 और 28 मार्च को जिले के कुछ इलाकों में धारा 144 के तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त हुई सरकार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि ओटीटी पर क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौच और अश्लीलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओटीटी पर क्रिएटिविटी की आजादी थी, अश्लीलता की नहीं। इस पर जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। बिस्लेरी इंटरनेशनल के चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी जयंती चौहान अब बिस्लेरी की नई बॉस होंगी। गौरतलब है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड TCPL के साथ अधिग्रहण की बातचीत समाप्त होने के बाद कंपनी ने नेतृत्व जयंती को सौंपने का फैसला लिया है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इससे जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2014 से दिसंबर 2022 के बीच 15 लाख से ज्यादा मामलों में 4,128 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।